तो गाइज यहाँ टेकी लॉक हो गई थी हमसे और हम खोलने की टेक्निक देख रहे हैं कैसे खोले अब। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप मुझे तो देखे होंगे, मैं तो बढ़िया हूँ। ये भी बढ़िया है, मम्मी भी बढ़िया है। तो नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और बार फिर से। और आज 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 का ब्लॉग होने वाला है अमेजिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं गांव, है ना मम्मी? हम जा रहे हैं गांव, शादी मारी मम्मी बहन रखी पैक होकर जा रही है और मैंने भी अपना साउथ छोड़ लेके बस अभी जस्ट निकल रहे हैं। अभी हो रहे हैं 8:30 और 8:30 में निकल गई है धूप। और ये इतनी चालाक है, इसको बोला था कि मैंने ये वाला बैग मुझे चाहिए पर इसने मुझे नहीं दिया, इतना भारी मैंने उठा। हम जा रहे हैं गांव क्योंकि हमें जाना है शादी में। आपको बताया था ना मैंने पिछले ब्लॉग में, बहन की शादी है वहाँ भी जाना है और गांव में एक बुकिंग भी है सोना के पास, तो वो भी हमें अटेंड करनी है बुकिंग, तो वहाँ भी जाना है। ये वाला बैग मम्मी ने ले लिया। गाइस मैं तो कल ही उत्तरकाशी से आई थी और आज मैं पौड़ी जा रही हूँ, इतना ट्रैवल, पर मुझे तो गाँव जाना है और मैं जस्ट इंजॉय करने जा रही हूँ। ये देखो मैडम, बस अड्डे में आते आते मेरी हालत खराब हो गई और टेम्पो से उतरे नहीं कि मेरी मामी बोल रही जब भाग 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 वो बस में बैठ गए, अब भगा दिया। फिर पता चला ये बस तो पौड़ी जा ही नहीं है आजकल ना, पौड़ी के लिए बस नहीं जा रही है और तो अभी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक लास्ट है और 43 साइड वाली, पर हम डायरेक्ट गाँव नहीं जा रहे हैं, हम पहले जाएंगे पौड़ी में क्योंकि आज हम पौड़ी रुकने वाले हैं अपनी दीदी के घर। जब से उसकी शादी हुई हम उसे उसके घर कभी नहीं गए, तो आज हम जाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखते ही देखते यहाँ पे इतनी भीड़ लग गई और हमने ले लिए, और आज मैं चाय नहीं पीऊंगी क्योंकि चाय पी के बहुत भूख होती है। कैसे हाल? आज भी हमें बस नहीं मिली, 43 की बस आ रखी है पर उसमें बिल्कुल जगह नहीं है, खचाखच भर रखी। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर वाली में, रुद्र वहाँ देवप्रयाग में उतर जाएंगे, हमें तो श्रीनगर वाली में ही जाना पड़ता है। गाइस अभी हम रुके हैं 3 धारा में और टॉयलेट की मत बोल। तो दर्शकों अभी हम रुके हैं 3 धारा में और आज हम दूसरे लोकेशन में रुके हैं क्योंकि इनके ना अपने बस वालों के अपने अपने ढाबे सेट किए रहते हैं इन्होंने, मतलब कि उनसे कोलैबोरेशन टाइप किया रहता है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, मतलब उन्होंने बोला रहता है। तो ये आज थोड़ा आगे लेके आए हैं, मतलब 3 धारा पीछे है पर ये थोड़ा सी आगे 3 धारा के। तो हम यहाँ पे रुक के करने वाले हैं नाश्ता और एक दो फोटो खींचेंगे। और गाइस बस में ना मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान, एक तो हम पहाड़ आ रहे हैं और ऊपर से आपको कौन सी खिड़की वाली सीट ना मिली, तो कितनी ज़्यादा बस किस्मत है। तो वो ऐसी किस्मत मेरी है, मुझे ना 20 की सीट मिली, मेरी बहन को भी पता नहीं कहाँ ही सीट मिली, मेरी मम्मी को भी पता नहीं कहाँ ही सीट मिली और हमको सीट नहीं मिली। हम यहाँ पे यार मेरी मारा बस में, बस की लस्सी ली थी, क्योंकि हमको स्वीट ही ऐसी मिली। हमारे बगल में एक लड़की बैठी थी ना, वो इतना कान में मेरा दर्द कर रही, उसने बड़बड़ मतलब मैं सो रखी थी, मैं सो रखी थी, मुझे फिर भी सुनाई दे रहा था, इतना बड़बड़ कर रही थी, मतलब कि वो अपने बाबू सोना से बात कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। आज प्रॉमिस डे था ना, उसी ने बताया मुझे कि आज प्रॉमिस, क्योंकि वो बता रहे ऐसे बोल रही थी कि आई प्रॉमिस यू अलाना पुराना निकला, मेरी मम्मी मेरे पर ठसा मारती, मुझे कुछ अब क्या करें, छोड़ो खैर गाइस। और हमारा खाना आ चुका है, ये देखो यार अभी एक ही लेके आए ना, ये अभी लेके आ रही हूँ। ये इनकी हो गई अपनी वीडियो चालू, खाना खाने के बाद भी सुनना का टॉयलेट का नंबर नहीं आया, तो बेचारी लास्ट में मर्दों वाले टॉयलेट में ही जाना पड़ा। दर्शकों को उतर चुके हैं हम देवप्रयाग में और यहाँ से ढूंढेंगे पौड़ी की बस, क्योंकि वो तो थी श्रीनगर की, हम आधे में रुक गए। और मैं आपको दिखाती हूँ संगम, पहली बार यहाँ पे उतरने का मौका मिल रहा है, वरना तो पापा का भी उतरने देते नहीं है। हाँ मुझे भी देखो क्या ऐसा लगता है, यहाँ पे हमें बस नहीं मिलने वाली है, तब कितने आधा घंटा तो हो गया हमें यहाँ पे गाइस, अब लगता है हमें बस नहीं मिलने वाली है, आधा घंटा हो गया हमें खड़े होते होते यहाँ पे। और हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचा ली, रील्स बना ली और इतने लोगों की भीड़ भी होगी इधर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सब पौड़ी जाने वाले हैं, अभी वेट करते हैं, एक दो रील और बना लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे थे ना सबको गाड़ी मिल गई और सिर्फ हम ही रह गए, क्योंकि मम्मी बोल रही गाड़ी पौड़ी, मम्मी ऐसे बोल रही, ऐसा एटीट्यूड मारे जैसे हमने गाड़ी ही नहीं देखी होगी। मम्मी अब देख मैं मांगती हूँ लिफ्ट, रुक जा
यार सच्ची पापा के बिना ना मुझे घर आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि गाड़ी ही नहीं मिलती। बहुत भटकना पड़ता है यार, और मुझे लगता है ना हमारी किस्मत ही ऐसी है सच्ची। हम मतलब बोलते नहीं है ना, इसीलिए लोग कोई हमारी बात सुनता भी नहीं है। अरे यार कैसे चीनी रोक रहे हैं हमें गाइस, जिस बात की डर थी वही बात हो गई। बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली, वो भी पीछे की सीट, जिस सीट में हम कल्लू को बैठाते थे। कल्लू आए जिसमें हम अपना गाड़ी में जो खाया है ना, अभी निकलने वाला है वो निकलने वाला है भाई, जिसमें हम अपनी गाड़ी में कल्लू को बैठाते थे, आज वहाँ को बैठना पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं घी में घड़ा मुट्ठी में चना, कभी घी में घड़ा मुट्ठी में चना, मुट्ठी में चना। खिड़की खोल, हमेशा ऐसे में जाते आते। सुनो प्लीज उल्टी मत करना मेरे साथ, खोल ना खिड़की। मैं गाड़ी जा रही हूं, आके फुचड़ मुचड़ मार रहा था। मैं यार कम से रहने दे, 2 मिनट लगा मेरी बात दे दो, इसका जल्दी ठीक है। वैसे तो मन ही नहीं होता। अरे दीदी खिड़की, फाइनली पहुंच चुके हम पौड़ी बाजार, और बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और रुके हैं अभी यहाँ पे होटल में मिठाई लेने हैं। तो गाइस फाइनली इतने सालों बाद यहाँ पे एक बस अड्डा बन चुका है, जिसका काम पता नहीं कब चला था, और आज ही पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है आपको दिखा। बस ये लेंटर पड़ गया और बस अड्डा बन गया। ऐसी तो था नहीं था, ये आप ही बनाया ये नहीं। बस अभी हम जाएंगे अपनी बहन के घर जो यहाँ रहती हैं। गाइस ये चीज़ तो अच्छी हो गई कि पौड़ी में बस अड्डा बन गया, पता नहीं कितने सालों बाद, बट बन गया है ना। बहन ये बनाया ना नया, वो देख ऊपर पार्किंग है, नीचे भी पार्किंग है। धारा रोड तो मैं पता नहीं कितने सालों बाद आ रही हूँ, पीछे कभी देखो मस्त है ना। अभी चलते हैं। ये मैं क्यों आऊंगा, मिल गई मेरी भतीजी और दीदी मम्मी के लिए। नानी किसी कर रही सीधा चल। मैं आपको बताती हूँ अपनी भतीजी को। हेलो हाय बोल सोना। ओ गाल कैसे और को सोना के देखना। हाय, ये पौड़ी में रहकर गाल ऐसे हो जाते हैं काले नहीं लाल उसकी काले बोल। अब मैं आपको उसका बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी ये सोना को पढ़ाने के लिए यहाँ पे पौड़ी में रहते हैं, वरना इनका घर कहीं और है। ठीक थी। अच्छा चुप रह। अरे ये दूसरी मेरी भांजी है, हट ना। भांजी बोल रही हूँ, भतीजी। ये सैम भी हेलो कर, हाय हाय करती था, हाय हाय। और यहाँ देखो पौड़ी दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये एकदम मस्त दिख रहा ना, सुबह भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। कहाँ था अभी, अभी चाय पानी पीने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर पौड़ी मार्केट, थोड़ा घूमने को सामान लेने, क्योंकि कल हम जाएंगे यहाँ से गाँव, और आज सानवी को पहली बार मौसी मिली है, तो मौसी उसे कुछ दिलाएगी। ठीक है ठीक है, बचपन में मिली थी और अब तो मौसी की जॉब लगी, तो तुझे जो आम सा चाहिए वो ले लो। ठीक है ठीक है। तो गाइस मैं मौसी आई सिस्टर की। हाँ अपनी 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 सानू को दिलाऊंगी चिच्ची, वो उसी के लिए जा रही हूँ मैं मार्केट। ठीक है ठीक है। हाँ चल ना, ये मेरे पे नहीं आ रही और इस पे आ गई, क्योंकि ये घिंगन है और ये पिंकी है, है ना। गाइस मैंने सोना को पूछा, बड़ी वाली को नहीं छोटी वाली को, मुझे तुझे क्या चाहिए, बोल रही मुझे दो चॉकलेट चाहिए। दो चॉकलेट मैं रहती तो पता नहीं क्या मांग देती, मौका परस्त कर लेती हूँ, बस सोना को दो चॉकलेट चाहिए ना। पौड़ी ना मैं आपको बता रही हूँ, पौड़ी सेम कैसा दिखता है, मसूरी की तरह। अगर आपने मसूरी देखा है तो आप पौड़ी और मसूरी को मतलब कंपैरिजन करके देख लोगे, दोनों एक जैसे दिखते हैं, सेम सेम सेम। मसूरी भी ऐसी है, पौड़ी भी ऐसी है। नो वॉन्ट दिस, नॉट दिस सोना, ये सोना इसको ये चाहिए, भूत का बच्चा, भूत का बच्चा चाहिए, भूत का बच्चा, भूत का बच्चा चाहिए तुझे, वो तो इसको ले लेना। तो इसके लिए मेकअप गर्ल के लिए ये लड़की वाली चीज है, भूत का बच्चा नहीं खाते। यहाँ पौड़ी मार्केट इतना महंगा है ना, इतना महंगा, जैसे देहरादून में हमने मॉल से शॉपिंग की हो, उतनी यहाँ पे हमने ऐसे लोकल ऐसे शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं। सीरियसली मतलब
बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊं तुम्हें, है ना, इतना तो आप डिकैथलॉन में चले जाओगे ना, उतना भी महंगा नहीं है। इतने में मेरे तीन जोड़ी कपड़े आ जाते हैं, जितने में हम छोटे बच्चों के कपड़े ले रहे हैं यहाँ। है पौड़ी का रामलीला ग्राउंड, मम्मी को अपने जमाने की याद आ गई। मम्मी तूने कब देखी थी रामलीला? दीदी तूने कब देखी? मैंने तो बहुत साल पहले देखी थी, आज से 18 साल पहले मैंने रामलीला देखी थी। अच्छा 18-20 साल पहले नाना 20 ले ली हमने दोनों भतीजों के लिए कपड़े, और इतने महंगे इतने महंगे, उतना तो हम देहरादून के मस्त वाले मॉल से लेते ना तो जाके मिलता, और यहाँ ऐसे बाजार में इतना महंगा। पापा यहीं खोलनी थी एक दुकान, है ना सोना? हाँ। Are you happy? Are you happy? खुश है? हाँ है। हैं? अब फोटो भेजना थी क्या? अच्छा। मौसी ने जो कपड़े दिलाए वो उसको कल आएंगे, ठीक है बाय। बाय। वे मेरी केयरलेस माँ, भाई जो दुल्हन के लिए वो सामान रखना भूल गई, जो सामान लिया था ना ज्वेलरी का वो रखना भूल गई, अब दोबारा यहाँ पे लेना पड़ रहा है। तुम क्या किस्मत है हमारी, किस्मत किस्मत। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, सन 1902 की है ना, कितना भयंकर है। मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी ना, वो ना पहले की जेल थी, ऐसा मेरी माँ बता रही है। दिखा दे। हाँ मैं दिखाती हूँ बिल्डिंग के पीछे, वैसा ये पुरानी जेल थी जो कि अब नई थाने साइड में बन गई है। घर आने के बाद दोबारा चाय पीने के बाद मैं और मेरी भतीजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती, थोड़ी मस्ती बोल मस्ती। है ना मेरी जैसे सेम एनी है मेरी कुत्ती, सब अम्मा चाय पी रहे हैं और हम यहाँ पे हैं और बाजार से आ गए। सेम अपनी अपनी मौसी में जाएगी, ब्लॉगर बनेगी, ब्लॉगर मैं बनूंगी डॉक्टर। ओह माय गाइस, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर दृश्य। अब बाय द वे मेरे बालों को इग्नोर मारो क्योंकि ये सोना ने झंडा दिए मेरे बाल, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ पौड़ी का नज़ारा रात में, और बहुत ठंड हो रही, बहुत ज़्यादा ठंड। ये रहा बाहर का नज़ारा, ये देखो लग रहा है ना मस्त मस्त। गाइस यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया, ये खाएंगे, ठंड में चिकन खाने का मजा आ गया है। दिन की एंडिंग होती है, आज के दिन की एंडिंग है मिठाई खाने से, जो कि वही मधुमक्खियों से लेके आए, मधुमक्खियों के छत्ते से निकाल के आई वहीं से लेके आए थे हम। तो अभी चलो, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय और बने रहना।